नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनायक और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं जियो ने जो 4GB डेली लिमिट कर दी है वेलकम ऑफर के लिए, तो उसे पार कैसे करते हैं, उससे हम 8GB तक डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पीड चेक करके दिखाता हूँ। ये जो स्पीड टेस्ट का जो एप्लीकेशन है मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए स्पीड ZBPS की स्पीड है। और अपलोडिंग की देखते हैं, अभी तो ये 00 दिखा रहा है। अभी टाइम देख लीजिए, 11:47 AM हो चुके हैं। अब तक मैंने 4GB से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसलिए मेरी डाउनलोड और अपलोड स्पीड बहुत ही कम हो चुकी है। तो इसके लिए हमें सिर्फ अपना मोबाइल रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम अभी रिस्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने रिस्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम टेस्ट बिगिन करते हैं। अभी ये फाइंडिंग बेस्ड सर्वर कर रहा है, ये BSNL का ही लेगा पुणे की तरफ से। मेरे जो स्पीड टेस्ट का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर स्पीड दिखा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी हमें बिगिन टेस्ट पे क्लिक करना है। वाओ, आप देख सकते हैं 18, 19, अभी 14, 13 ऐसा मुझे डाउनलोड स्पीड मिल रहा है। और ऊपर देख सकते हैं 555 KBPS, 234, 232, 143, 187 ऐसा ही अभी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का स्पीड ये सब कुछ दिखा रहा है। तो ये देखिए 14.82 का मुझे एवरेज डाउनलोड स्पीड मिल रहा है और 2.81 MBPS का अपलोड स्पीड मिल रहा है। तो आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ हमें रिस्टार्ट मोबाइल करना है। ऐसा आप रात के 10 बजे के बाद कर सकते हैं। रात 10 बजे से दूसरे दिन के 10 बजे तक रिलायंस जियो का डे है वो कम्प्लीट होता है। इसके लिए हमें उसके बाद सिर्फ मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम जियो की जो 4GB की लिमिट है वहाँ पे हम 8GB तक डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।